हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, इससे पहले मैं एक वीडियो डाला था कि नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जो अभी एक वेबसाइट बना है, जिस वेबसाइट में आप जो ऑनलाइन CVT दे सकते हो। दोस्तों, इस बार आपको सबको पता होगा असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी का पूरा CVT बेस्ड कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होगा। तो आपको इससे पहले, एग्जाम से पहले आपको तैयारी करना जरूरी है। दोस्तों, आप अगर सोच रहे हो कि इस एग्जाम को क्लिक करने के लिए आप अगर पहले से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दिया नहीं हो तो जरूर इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एग्जाम देना है और किस तरीके में एग्जाम होता है, पूरा डिटो। जो ये दोस्तों ऑफिशियल साइट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉय यूनियन जो बनाया है, ये यहाँ पे जयपुर का है, राजस्थान का है। तो यहाँ पे प्रॉपर हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चंस आता है और आप उसको बढ़िया से एग्जाम दे सकते हो। आपकी घर पे जो मोबाइल है तो भी एग्जाम मोबाइल में भी दे सकते हो और उसके साथ आपकी अगर कंप्यूटर है तो भी दे सकते हो। इसका दोस्तों एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, अभी तक प्ले स्टोर में अपलोड नहीं हुआ है। तो जब प्ले स्टोर में अपलोड हो जाएगा मेरा आपकी नोटिफिकेशन दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और दोस्तों शुरू करता हूँ। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, और एक अनाउंसमेंट करता हूँ कि एक चैनल है जो भोजपुरी गाना बनाता है। आप अगर कोई आदमी बिहार और UP से हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जो भोजपुरी गाना अच्छा अच्छा देता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में मेरे उसका लिंक दे दिया हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन करने के लिए, आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैंने पहले से एक वीडियो डाल चुका हूँ आपको कैसे वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। तो मेल आईडी पासवर्ड डाल के आपकी वहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन हो जाइए। लॉगिन हो जाने के बाद इस तरीके में आपको एक डैशबोर्ड खोल जाएगा। दोस्तों, डैशबोर्ड खोलने के बाद यहाँ पे टोटल आपकी एग्जाम कितना, माई एग्जाम को जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो माई एग्जाम है। तो माई एग्जाम को जाने के बाद यहाँ पे दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन स्टेज 1 का भी एग्जाम रखा गया है और लेवल 1 जो ग्रुप डी का एग्जाम भी रखा गया है। यहाँ पे एक अदर कैटेगरी ED CE वो कुछ कैटेगरी है जो यहाँ पे रखा गया है। दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हो असिस्टेंट लोको पायलट जो है, तो आप अगर असिस्टेंट लोको पायलट देना चाहते हो तो असिस्टेंट लोको पायलट को क्लिक कीजिए, नहीं तो लेवल 1 जो ग्रुप डी रखा गया है वो देना चाहते हो उसको भी क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, मैं फिलहाल असिस्टेंट लोको पायलट नहीं या ग्रुप डी को क्लिक कर लेता हूँ। ग्रुप डी को क्लिक करने के बाद एक नया खुल जाएगा टैब, वहाँ पे लेवल 1 का एक प्रोसेस चलेगा। थोड़ा टाइम रुक जाइए, रिफ्रेश मत कीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश। और दोस्तों, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अगर ढूंढ के नहीं पा रहे हो तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक कर सकते हो। दोस्तों, तो प्लीज यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट को क्लिक करने के लिए, यहाँ पे नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिख रहा है आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे पढ़ लीजिए जो भी ये यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में है। तो हिंदी को ट्रांसलेट भी आपको, अगर गूगल क्रोम यूज कर रहे हो तो ट्रांसलेट भी कर सकते हो। तो स्टार्ट एग्जाम लिखा हुआ है, एग्जाम स्टार्ट यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद क्वेश्चन शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे जनरल साइंस में क्वेश्चन आ जाएगा, GK का क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन आ जाएगा और यहाँ पे टाइमिंग शुरू हो जाएगा। राइट साइड में आपकी टाइमिंग शुरू हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन पैलेट जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन पैलेट, यहाँ पे आपको क्वेश्चन शो करेगा कितना आपने अटेम्प्ट किया है। और ऐसे ही दोस्तों मैं जो बता रहा हूँ ऐसे ही आपकी CVT होगा, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट, जो आपकी जैसे ही ये साइड बनाए उससे हिसाब में आपकी CVT होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पैलेट यहाँ पे देख सकते हो, जितना अटेम्प्ट कर रहे हो, आंसर कर रहे हो वो ग्रीन कलर हो जाएगा, नॉट आंसर्ड यहाँ पे रेड कलर हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे सपोज मैंने एक नंबर क्वेश्चन को क्लिक किया हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट होगा, सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक करना पड़ेगा। तो दो नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने क्लिक करूंगा, फिर सेव एंड नेक्स्ट को क्लिक करूंगा, वो आपकी सही आंसर देख के आपको जो लग रहा है वो मल्टीपल चॉइस 4 क्वेश्चन दे रहा है, 4 आंसर दे रहा है, तो उसमें आपकी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग है। आपकी जो जब भी टेस्ट दे रहे हो आपके साथ एक पेपर रखिए और पेन रखिए। दोस्तों, पेपर पेन में उसमें आपकी अगर मैथ करना चाहते हो, दोस्तों यहाँ पे मैथ को आ जाइए, डायरेक्ट रीजनिंग करना चाहते हो तो रीजनिंग को आ जाइए,
तो उसके साथ साथ आप वहाँ पे रखिए आपकी पेपर पेन, वहाँ पे पूरा आपकी जो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करिए, जो भी आपको सही आंसर लग रहा है वो सही आंसर को यहाँ पे क्लिक कीजिए दोस्तों। फिर आपकी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीका में आपको क्लिक करना चाहिए। तो यहाँ पे सेवन नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, जैसा कि मैंने तीन नंबर को छोड़ दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो पूरा क्लिक कर दिया, चार नंबर को छोड़ दूंगा तो यहाँ पे आपकी रेड हो जाएगा, पांच नंबर को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा। तो इसमें पता चलेगा आपकी जब भी फाइनल सबमिट करोगी तो कितना अटेम्प्ट किया हो कितना अटेम्प्ट नहीं किया हो, ये जो क्वेश्चन पैलेट लिखा हुआ है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर आपकी सेवन नेक्स्ट में क्लिक कीजिए, फिर जो भी आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर सेवन नेक्स्ट में क्लिक कीजिए। फिर आपकी अच्छा मतलब आपकी जो भी सही आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो आप ऐसे ही गलत आंसर मत दीजिए, गलत आंसर करने से भी आपकी जो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। हो सकता है यहाँ पे एग्जाम फाइनल एग्जाम नहीं है, फिर भी आपकी यहाँ पे कितना क्वालिटी है आप कितना सिलेक्ट कर सकते हो पता चल जाएगा दोस्तों यहाँ से। तो यहाँ पे इस तरीका में आपको क्लिक करना पड़ेगा, जो भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, नेगेटिव मत क्लिक कीजिए, नेगेटिव क्लिक करने से आपकी पूरा जाएगा ऐसे ही आपकी। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ किस तरीका में आपको करना चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ इस कुछ क्लिक करके। गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने काफ़ी अटेम्प्ट कर लिया हूँ, यहाँ पे जितना भी अटेम्प्ट किया हूँ ग्रीन कलर हो गया है, जितना अटेम्प्ट नहीं किया हूँ यहाँ पे रेड कलर हुआ है। इसको मैं सब जान लो, आप रेड कलर जितना भी हो छोड़ दिए हो, आप अगर लास्ट में आना करना चाहते हो तो उसको आप सिलेक्ट करके आइए, अगर आपको आ रहा है नहीं आ रहे तो छोड़ के आ सकते हो। डायरेक्ट मैथ को जाना चाहते हो तो मैथ में क्लिक कीजिए, यहाँ पे मैथ में आ सकते हो। उसके बाद आपकी अगर सपोज 52 नंबर क्वेश्चन को जाना चाहते हो डायरेक्ट 52 को क्लिक कीजिए, आपकी 52 नंबर भी क्वेश्चन शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन को क्लिक करोगी उस क्वेश्चन आपकी आपके आगे आ जाएगा। यहाँ पे सपोज आपकी क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट कर लिए हो उसके बाद आपको क्विट करना चाहते हो, सपोज आपको क्विट करना चाहते हो तो कैसे क्विट करोगी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आपकी अटेम्प्ट करने के बाद यहाँ पे आपकी राइट कॉर्नर की नीचे में आपकी सबमिट ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आंसर्ड 26 क्वेश्चन दिखाया, नॉट आंसर्ड 23 क्वेश्चन दिखाया, नॉट विजिटेड 52 क्वेश्चन, आपकी 52 क्वेश्चन विजिट भी नहीं किया है। तो आपको यहाँ पे फिनिश प्रिपेरेशन को क्लिक करना पड़ेगा। फिनिश प्रिपेरेशन में क्लिक करने के बाद आपकी जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हो यहाँ पे दिखा रहा है, टोटल आपकी लेवल दिखा रहा है। थैंक्स फॉर यूजिंग टेस्ट, यहाँ पे आपको लोअर आपकी जो रिवार्ड मांग रहा है यहाँ पे गुड या जो भी सबमिट करना चाहते हो तो आपको सबमिट कर दीजिए, तो उनको आपकी एक रिवार्ड फीडबैक देना चाहिए। आपको जो भी फीडबैक मन में हो रहा है तो आप फीडबैक दे दीजिए, उसके बाद सबमिट में क्लिक कर दीजिए। सबमिट में क्लिक करने के बाद उनका फीडबैक चला गया आपकी तरफ से, यहाँ पे देख सकते हो पूरा एग्जाम एक एग्जाम आपकी क्लियर हो गया है। तो आप इस तरीके में एग्जाम दे सकते हो। एग्जाम देने के बाद यहाँ पे माई रिजल्ट को क्लिक कीजिए, आपकी जितना भी एग्जाम दिए हो तो आपकी यहाँ पे रिजल्ट भी दिखा देगा। यहाँ पे परसेंटेज देख सकते हो, लेवल वन को मैंने कई बार सिलेक्ट किया हूँ तो उसको छोड़िए, मैं आपको दिखाने के लिए कई बार सिलेक्ट किया हूँ। लेवल वन में क्लिक कीजिए, परसेंटेज आपकी 0.67 परसेंटेज हुआ है। तो यहाँ पे 300 मार्क्स से मैं सही ठीक किया हूँ ओनली दो क्वेश्चन। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखा गया है, लेवल वन में मैंने नेगेटिव मार्किंग -3 रखा हूँ। तो इस तरीके में आपको पूरा एग्जाम देना पड़ेगा दोस्तों। डैशबोर्ड को चले जाइए, फिर डैशबोर्ड में आपकी जो रैंकिंग है वो दिखा देगा। दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस, आप घर बैठ के आपकी CBT टेस्ट जो होता है ये घर बैठ के आपको ट्राई करना चाहिए। अगर आप चाह रहे हो इस बार जो असिस्टेंट लोको पायलट या ग्रुप डी से एक पोस्ट आपको लेना चाहते हो तो घर बैठ के आपको CBT टेस्ट जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, आपकी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी आपको देता रहूँगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ऑनलाइन टेस्ट भी उसका लिंक भी दूंगा। तो इस तरीके मैं आपको बढ़िया बढ़िया प्रिपेरेशन प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों जरूर प्रिपेरेशन कर लीजिए, और आपकी अभी तक अगर 80% जैसे प्रिपेरेशन प्रोसेस आपकी एग्जाम
एग्जाम दीजिए। आपको अगर 80% परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है तो जरूर और दोस्तों बढ़ाइए आपकी प्रिपेरेशन प्रोसेस, ऐसे कि 80% होना चाहिए। इस बार बहुत दोस्तों कंपटीशन होने वाला है, आप सबको पता होगा दोस्तों इस बार बहुत कंपटीशन होने वाला है, तो जरूर आपकी तैयारी प्रोसेस 80% को बढ़ाइए। हर बार ऑनलाइन टेस्ट दीजिए, घर पे टेस्ट दीजिए, आपकी कोचिंग सेंटर है तो वहां पे भी दे दीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।